नमस्कार, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है कामयाबी की एक झलक। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवान शहर के एक जाने माने सिंगर, उभरते हुए कलाकार जिनका नाम है मिस्टर शंभु सोनी। आज हम उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं उनके शख्सियत के बारे में, उनका लाइफ स्टाइल और उन्होंने कैसे यहाँ तक मुकाम हासिल किया, कैसे अपने आप को डेवलप करके सिंगर के रूप में एस्टेब्लिश किया। तो चलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो में जी, कि आपने हमारे शो में आए हुए हैं। सबसे पहले आप सिंगर हैं, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं अभी आपके सभी दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं शंभु सोनी सिवान जिले का निवासी हूँ और इस जिले का एक छोटा सा कलाकार हूँ, सिंगर हूँ। और मेरे गीतों को जो है कि लोगों ने धीरे धीरे प्रेम दिया, प्यार दिया और लोगों ने मुझे बढ़ाने का प्रयास किया, यहाँ के प्रशासन ने मुझे बढ़ाने का कार्य किया और जो है कि मुझे धीरे धीरे यहाँ के मंचों पर मुझे कार्यक्रम मिलता गया, मुझे इनवाइट किया गया, आप आइए कार्यक्रम कीजिए। तो वहाँ से जो है कि मैंने अपना जो है कि शुरुआत किया और अगले वर्ष कुछ 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले मैं यहाँ से गया था, आपको बरेली गया था, बरेली गए थे और वहाँ पे मैं इंटरनेशनल कंपटीशन, म्यूजिक कंपटीशन हुआ था, इंटरनेशनल म्यूजिक कंपटीशन हुआ था बरेली में। जी 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 जी। अच्छा, तो उसमें मैंने प्रथम पुरस्कार पाया। अच्छा, तो वहाँ पे इंटरनेशनल म्यूजिक कंपटीशन हुआ था। जी जी। अब वहाँ पे प्रथम पुरस्कार पाया। जी जी, मैं प्रथम पुरस्कार पाया था। अच्छा, और वहाँ पे कौन सा गाना गाए थे आप? वहाँ पे मैंने एक गीत था, रफी साहब का गीत था। क्या आप गा सकते हैं? जी जी जी, थोड़ा धुन, थोड़ा धुन मतलब दर्शक के लिए। एकदम एकदम। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे। वाह, क्या बात है, दैट्स ग्रेट। ये तो हुआ आपका मतलब प्रेजेंट टाइम में आपने ये सब हासिल किया हुआ है। मैं बात करूं कि आपका लाइफ स्टाइल जो है, अभी का आप लाइफ स्टाइल क्या है, थोड़ा सा आप कैसे मतलब रियाज कर रहे हैं, कहाँ से आपने सीखा, आपने क्लासिकल सॉन्ग सीखा या किसी कंपटीशन मतलब कहाँ कहाँ से कंपटीशन में जा चुके हैं और कितना आपने स्टडी किया हुआ है? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ही संगीत के प्रति मेरा बहुत ज्यादा लगाव था, प्रेम था और मैं अपने स्कूल के टाइम में मेरे क्लास टीचर जो है कि जब जिस समय संगीत का जो है कि प्रतियोगिता जब आता था क्लास में, जी जी जी, तो उसमें मेरे सर जो है उनका नाम है मनीष सर, मुझे आज भी याद है। जी जी। और कौन से स्कूल में पढ़ते थे? वो केसर शिक्षक संस्थान यहीं पे था, नेशनल कॉन्वेंट के सामने केसर शिक्षक संस्थान था, वो स्कूल था, वही मेरा स्कूल था। और पहले उसका नाम राजेंद्र स्मारक था, अब केसर चेंज था, अब बंद हो गया वो स्कूल भी। बंद हो गया। तो मैं वहाँ पे जो है कि अपने स्कूल के दिनों में जो है कि मेरे टीचर जो है हमसे लगभग लगभग 30-40 गीत मुझसे सुनते थे। उस समय मुझे थोड़ा थोड़ा याद रहता था, उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, 8-9 साल की मेरी उम्र थी। और उस समय वो मुझसे जो है कि काफी गीत सुनते थे क्योंकि मैं टीवी के माध्यम से सुनता था। जी जी। और जितना मुझे कैच में कर पाता था, जितना मुझे याद रहता था, उन लोगों को जरूर सुनाता था। तो वहाँ से आपका मतलब जर्नी स्टार्ट? हाँ, वहाँ से मेरा जर्नी, सोच आपका वक्त मुझे सिंगर बनना है, सिंगर लाइन में जाना है। उस समय मैंने सोचा नहीं था कि मैं सिंगर बन पाऊंगा, मैंने सोचा नहीं था, बस ऐसे मैं दोस्तों के लिए, सब आपके लिए, किसी और के लिए जो कहता था कि सब मुझे ये गीत सुना दीजिए, सुना दीजिए। मतलब उस समय आपका गला अच्छा था, पकड़ था, गाने गाने का मतलब सुनते थे, तो गाने गाने शौक स्टार्टिंग करते थे। उसके बाद से जो है कि मेरी जो है कि फिर मुलाकात और लोगों से हुई, लोगों से होती है मेरे और कुछ जो है कि, तो वहां से मैंने 2010-11 में
कुछ और लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उन लोगों ने मुझे जो है प्रोत्साहन दिया जो है कि एक सेटअप हम लोग लगा के जो है कि वहां से जो है कि रोजाना हम लोग प्रैक्टिस करते थे लोग, संडे के संडे हम लोग को रोज आइया, कभी कोई बंदी होता था तो हम लोग वहां पे बैठ के लगभग 10-10 घंटा 12-12 घंटा हम लोग जो है कि बैठ के प्रैक्टिस करते थे लोग, संगीत के ट्रैक से गाते थे लोग हम लोग और हारमोनियम से भी प्रैक्टिस करते थे। तो वहां से जो है कि मतलब कि जो है कि मेरा जो है कि लोग यहाँ के प्रशासन से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा गीत सुना, उन लोगों को अच्छा लगा मेरा गीत, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे बिहार दिवस पे, मैंने बिहार दिवस में ये टाउन हॉल में मैंने गीत गाया था, घुंघरू की तरफ बजता ही रहा हूँ, फर्स्ट मेरा जो है कि स्टेज शो था। ऐसे मैंने स्कूल में और जी स्कूल में और भी बहुत सारे जो जगहों पे मैंने जाके गाया है, लोग बुलाते थे जाते थे, और तो उसके बाद से यहाँ से शुरू हुआ, वही मेरा फर्स्ट। आपका एजुकेशन कितना है अभी तक, मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, और म्यूजिक से कुछ अपने कुछ हाँ जी प्रभाकर मैंने म्यूजिक से मैं लगभग मेरा कम्प्लीट है। अच्छा, इस बार मेरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं मुझे पता नहीं था मैं संगीत में मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, लोगों के माध्यम से पता चला कि मैं संगीत के प्रति मैं अच्छा मैं कर सकता हूँ, तो आपने फिर इसमें कंटिन्यू काम करना शुरू कर दिया। हाँ, इसका भी मैं कोर्स कर रहा हूँ। आपका कुछ एल्बम भी आया हुआ है आपका? जी जी, मेरा एक एल्बम भी आया था जिसको मैंने गाया था, लाफिंग बुद्धा आया मैंने गाया था। अच्छा, जो अभी लोगों को हंसाते हैं लाफिंग बुद्धा के लोग से नाम से जानते हैं, उनके लिए गाना गाया था, उनके लिए मैंने ही गीत गाया था, आया आया लाफिंग बुद्धा आया। अच्छा, आया लाफिंग बुद्धा, थोड़ा सा धुन बताइए। आया आया लाफिंग बुद्धा आया, इंडियन लाफिंग बुद्धा आया, आया आया बुद्धाया, रोते को हंसाता है, बीमारी से बचाता है, तुम्हारे गम को वो खुशियों में मोड़ने आया, आया आया, यही गीत था। तो ये अपने गाना गया था जी, उस समय उसको मैंने लगभग 10 महीने पहले मैंने उस गीत को एल्बम को गाया है और इसको उसका विमोचन पूर्व DDC साहब ने, राजकुमार सर ने उसका विमोचन उस गीत का किया था। विमोचन मतलब? विमोचन जस्ट लाइक मैंने उसका मतलब उसका समझिए कि लोगों के बीच रिव्यू, हाँ उसका रिव्यू किया था। अच्छा, जी वो सक्सेस हुआ गीत, लगभग अच्छा अभी भी चल रहा है। हाँ। अभी उस गीत पे और भी कुछ काम चल रहा है। तो आप कंपटीशन में जाते थे जस्ट लाइक इंडियन आइडल, सुर संग्राम या और भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं पूरे इंडिया में, तो उसमें आप जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए मैं जो है कि जाता हूँ, एक बार गया भी था लखनऊ में, कंपटीशन में गया था इंडियन आइडल के, तो वहाँ पे कुछ गैदरिंग हो गया, वहाँ पे कुछ जो है कि उसका वीडियो भी आप खोलिएगा तो मिल जाएगा, वहाँ पे अचानक से जो है कि जितने भी सारे पार्टिसिपेट जो है लाइन में खड़े थे, अचानक से वो जो है कि भड़क गया भीड़ जो है कि, और पथराव शुरू हो गया, कुछ कुछ खरीद फरोश का क्या आरोप लगा रहे थे वहाँ पे इंडियन आइडल में कि लोगों को जो पैसा दे रहा है उसको सिलेक्शन हो रहा है उसका नहीं हो रहा, तो हम लोग जो है कि गेट से ही हम लोग जो है कि एंट्री हम लोग को नहीं मिला, हम लोग वहाँ से लोगों को अच्छा लगता है और लोग जो है कि मुझे बुलाते हैं और जो जो अच्छे लोग हैं उनके बीच में मैं जाता हूँ। आप स्टेज शो करते हैं? जी स्टेज शो करता हूँ, ज्यादातर प्रशासन के लोग बुलाते हैं। प्रैक्टिस करते हैं आप अगर संगीत में, कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए संगीत? देखिए संगीत तो मेरे लिए जो है कि एक अलग जो है कि महत्व मेरे जीवन में रखता है, आज मुझे शंभू सोनी के नाम से लोग जानता है तो संगीत के ही माध्यम से लोग जानता है, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं सुबह उठता हूँ, सुबह रियाज करता हूँ, फिर शाम को भी रियाज करता हूँ, जब समय मिलता है तब मैं रियाज करता हूँ, और जो है कि अपने फेसबुक मेरा चैनल। नया गाना कोई आपका लॉन्च होने वाला है? नहीं, अभी अभी कोई नया गीत एल्बम कोई आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उस पर भी काम चल रहा है। मैं चाहता हूं कि जो भी दर्शक जो भी सुने तो अच्छा सुने, कुछ तो अच्छा करने के लिए कुछ थोड़ा सा समय लगता है। और संगीत लाइन में किसको गॉडफादर मानते हैं, कौन से ऐसे सिंगर जो आपको इंस्पायर करते हैं कि हाँ मैं शायद इनकी जैसे गाऊं, मैं इनकी जैसे मतलब नाम कमाऊं?
देखिए मेरे मेरे को अभी तक जिस सिंगर ने मुझे प्रभावित किया है उनके बारे में मैं क्या बताऊं, वो उनके बारे में बताना मतलब छोटी बात होगी मेरे मेरे मुझे। उनका नाम रफी साहब। अच्छा, रफी साहब ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। मोहम्मद रफी साहब का मैं गीत सुनता हूँ और सोनू निगम का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। सोनू निगम खुद रफी साहब को फॉलो करते हैं। तो इन सभी सिंगरों को मैं ऐसे मैं सभी सिंगर का गा लेता हूँ मगर रफी साहब की गीत मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और मैं उनको फॉलो करता हूँ। उनके गीतों को मैं ज्यादातर कई मंचों से मैं गा चुका हूँ। अगले साल मैदार महोत्सव में मैं गाया था सौ बार जन्म लेंगे। सौ बार जी जी मैदार महोत्सव लगभग मैं 3 साल से जा रहा हूँ। 3 साल से मैं लगातार स्टेज कर रहा हूँ वहाँ पे। प्रशासन के द्वारा निमंत्रण आता है मुझे और मैं जाता हूँ वहाँ पे परफॉर्मेंस। आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका, कि आप कैसे आगे अपने आप को शोकेस करना चाहते हैं? देखिए अभी तक मैंने सिर्फ काम किया है जी। काम के वजह से लोगों ने मुझे उठाने का काम किया है तो मैं अभी ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, कहाँ तक प्लेबैक सिंगिंग करूंगा कि नहीं करूंगा, ये तो मुझे नहीं पता है। आपका ड्रीम क्या है? जस्ट लाइक यू हाँ ड्रीम ड्रीम क्या है? ड्रीम में है कि सिंगर बनू, अच्छा सक्सेस हो जाऊं, लोग मुझे प्यार करें। और क्या कह सकता हूँ मैं आपको, तो अभी तो मैं सिर्फ वर्क के चक्कर में रहता हूँ कि मैं काम करूँ, काम से ही मेरी पहचान होगी। काम से आपकी पहचान होगी? अभी तक काम से ही पहचान मेरी हुई है। अच्छा, ये जो संगीत क्षेत्र है इसे हमारे समाज हमारा जो कल्चर है बहुत सारे युवा मतलब चाहते हैं इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, बहुत सारे गार्जियन सपोर्ट नहीं कर पाते, तो आपके फैमिली वाले कितना सपोर्ट किए, कितना सपोर्ट किए या इसको आपको इंकरेज किए मतलब या अनइंकरेज किए हैं, आपको बैक सपोर्ट किए हैं या आपको मतलब बोल रहे थे नहीं करो ये सब अच्छी बात नहीं है? देखिए मेरे पिताजी जो है कि मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय पारसनाथ है और वो जो है कि संगीत में बहुत उनको रुचि था। अच्छा अच्छा मेरे पिताजी को और मैं उनके साथ एक यहाँ मंदिर है, मंदिर पे जो है हम लोग लगभग 2000 के आसपास में मैं बात बताता हूँ जो है कि पिताजी मेरे भजन वजन गाते थे, ड्रम बजाते थे। अच्छा अच्छा तो मैं रोज जाता था कि ये जो मिला हुआ है तालीम मिला हुआ है कहाँ जाके आपके पिताजी से मिला है और जो है कि वो बजाते थे तो मैं भी बजाता था और काफी दिनों तक हम लोगों ने साथ में जो है कि बजाया है। उसके बाद से मेरे पिताजी का जो है कि देहांत हो गया, प्रवास हो गया। उसके बाद से मैं अकेला महसूस करता था अपने आप को उनके जाने के बाद से कि मुझे कौन देखेगा मुझे। जो भी मेरे सिवान के जो भी लड़के हैं जो संगीत के कलाकार जो है जो गाना चाहते हैं मैं उनको मौका देता हूँ और वो आते हैं और मेरे गाते हैं जो अच्छे सिंगर है उनको मैं देता हूँ, मौका देता हूँ, वो गाते हैं मेरे बैंड के माध्यम से। नए सिंगर के लिए क्या आपका एक मोटिवेशन स्पीच रहेगा, जो सपोज कि नए कलाकार जो चाहते हैं कि सिंगर बनना चाहते हैं, संगीत लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका एक मोटिवेशन रहेगा? देखिए किसी काम को मैं जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ जो भी जो सिंगिंग लाइन में आना, आपका जो एक्सपीरियंस रहा सिंगिंग में एक्सपीरियंस रहा वो आप एक्सपीरियंस जी। मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने मुझे बहुत सारे दबाव आए मेरे ऊपर मगर मेरे ऊपर एक जुनून था कि मुझे इसको करना है। मैंने नाफा और घटी के बारे में मैंने नहीं सोचा, मैंने सोचा कि ये मुझे अच्छा लगता है, मैंने इसको दिलो जान से किया। कहते हैं कि किसी चीज को अगर दिल से सीधा से चाहोगे तो कोई कहना तुमसे मिलना जी जी, तो ऐसा ही बात है। तो सच्चे दिल से मैंने इस पेशा को मैंने चाहा तो इसमें लोग मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। सिवान की जनता है, सम्मानित जनता है जी, वो मुझे आगे बढ़ा रही है, सपोर्ट कर रही है। सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और आज इन फेसबुक से मैं लाइव आता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है शंभू सोनी रफी साहब, मारिएगा सर्च कीजिएगा। उस पर भी गाना मैं अपलोड करता हूँ, जितने भी सारे कार्यक्रम है। और फेसबुक से मैं मेरा शंभू सोनी फेसबुक मेरा है, फेसबुक पे लाइव आते हैं, लाइव आते हैं, उस पर भी लोगों को मैं सुनाता हूँ। डेली लाइव आते हैं।
कोई आपका ऐसा कोई ऐसा कोई आप ऐसे कोई सॉन्ग कंपोज किए हैं जो मतलब गा सकते हैं जो आने वाला हो थोड़ा दर्शक के लिए? अगर मतलब एक हमारे मित्र हैं मकबूल भाई हैं, उन्होंने गीत लिखा हुआ है, तो हम लोग बहुत जल्दी उस पर काम करेंगे। गीत का धुन है कि इतने दिन के बाद मिले हो, बैठो चले जाना, इतने दिन के बाद मिले हो, बैठो चले जाना, इतना तो तुम अभी मेरे हो, इतना तो तुम अभी मेरे हो, बैठो चले जाना, इतने दिन के बाद मिले हो, बैठो चले जाना। ये गाना मतलब आप कंपोज करके आने वाला है? जी, इसको मैं इससे लगा हुआ हूँ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया करना चाहूंगा और आभार रहूंगा कि आप इतना कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर सक्सेस योर लाइफ कि आप ये गाना जल्द से आए लो में। तो दरअसल हमने देखा कि आज हम बात किए सिवान शहर के उभरते कलाकार मिस्टर शंभू सोनी, जो आप के सिवान शहर के बिलोंग करते हैं। आज इन्होंने अपने मुकाम को स्टेट लेवल पे, इंडिया लेवल पे अपना मुकाम पहुंचा चुके हैं। यहाँ तक कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपटीशन किया था, वहाँ भी अपने पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। और सिवान शहर में जो भी सोशल वर्क होता है, या सोशल क्लासिकल वर्क होता है, या सामाजिक वर्क होता है, या प्रशासन का वर्क होता है, स्टेज शो होता है, उसमें सारा चीज़ में ये परफॉर्मेंस करते हैं। सिवान की जनता इन्हें सपोर्ट करती है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इन्हें तहे दिल से सपोर्ट करें, तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। और मेरा धन्यवाद है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने इस कामयाबी की झलक में इन्होंने अपना समय दिया एपिसोड 4 में। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इन्हें सपोर्ट करते रहिए। एक लास्टली संदेश क्या देना चाहते हैं नए युवाओं के लिए, नए कलाकारों के लिए? बस मैं अपने युवाओं, अपने भाइयों के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप किसी भी काम करिए, दिल से करिए, प्यार से करिए, जुनून उसमें रखिए। एक ना एक दिन सफलता एक दिन से नहीं मिलती है, सफलता कीजिएगा धीरे धीरे, तो आज नहीं तो कल आपका होगा। तो अपने काम को आप प्यार से कीजिएगा तो उसमें आपको आपको जरूर जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, ये एकदम सत्य है। चलिए, कहने का मतलब यही था कि ये जो आप जो काम कर रहे हैं, जो भी आप किस चीज में क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र को लगातार प्रयास करते रहिए, ताकि आपका जो प्रोत्साहन हो, जो आपका डेडिकेशन हो, वो चीज आपको हासिल हो, और लगातार प्रयास करने के बावजूद तभी आप उस चीज में सक्सेस हो सकते हैं। सो प्लीज आप लोग हमारे शो में बने रहिए, नेक्स्ट शो में आपका फिर से स्वागत रहेगा, और नए शो में नए एक ऐसे सक्सेस से मैं रूबरू होऊंगा जो कि शिवान की धरती पे अपने टैलेंट को निखरते हुए आएंगे। So thank you friends, love you, bye, take care, jai hind, jai bharat, jai namaskar, jai namaskar।